नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। किसान भाइयों, आने वाला समय है धान की फसल का, और धान की फसल लगाते समय किसान भाई असमंजस में रहते हैं कि धान की बुवाई सीधे करें या फिर रोपाई विधि के द्वारा करें। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धान की रोपाई का झंझट ही खत्म करने वाले हैं। आज ऐसी टॉप 5 वैरायटी के बारे में बताएंगे जिसकी आप सीधी बुवाई कर सकते हैं, यानी बांसपति की। ऐसी आज टॉप 5 वैरायटी के बारे में बात करेंगे जिसकी आप खेतों में सीधी बुवाई कर सकते हैं। वहां पर आपको रोपाई करने की यानी नर्सरी तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, ज्यादातर क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की कमी है, वहां पे सरकार का भी प्रेशर रहता है कि ज्यादातर खेती हमें क्या करनी चाहिए, धानों को सीधी बुवाई से करनी चाहिए, ना कि नर्सरी से। इससे बहुत सारे फायदे हैं। कुछ फायदे मैं सबसे पहले लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं उन टॉप 5 वैरायटी की जिनकी हम बुवाई सीधे कर सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएं। तो किसान भाइयों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किसान भाइयों, जो सबसे पहली हमारी जो बांसपति है वो आती है पूसा बांसपति PB 1121 के नाम से। ज्यादातर कई हिस्सों में, भारत के कई हिस्सों में इसको बहुत पसंद किया जाता है। और बात करें कि सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली बांसपति ये है, जो फॉरेन कंट्रीज में भी निर्यात की जाती है। और इसकी कुछ खास बात करें तो इसका जो चावल की जो खुशबू होती है वो बहुत शानदार होती है, खाने में भी स्वादिष्ट होता है, और दाने जो होते हैं इसके लंबे होते हैं। पूसा बासपति जो है PB 1121 की बिजाई अगर हम करना चाहते हैं सीधे ही, तो 20 मई से लेकर के 15 जून का जो समय है बहुत उपयुक्त है। इस समय हम इसकी बुवाई अगर कर देते हैं सीधे अपने खेत में तो लगभग 18 से 20 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी पहली वैरायटी। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी की। तो ये भी पूसा बासपति की है, PB 1718 किस्म। इसमें सबसे बात की पॉइंट की बात करें तो इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। साथ में इसमें इस जो क्रॉप में ये जो होती है वैरायटी, इसमें रोग बहुत कम लगते हैं। अन्य जो किस्में हैं उसमें इसमें 20% पानी की भी बचत होती है, और बिजाई करने के लिए इसका भी सही समय यही है 15 मई से लेकर के 20 जून तक। इसको आप अपने खेतों में लगा सकते हैं, डायरेक्ट नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं है। और बात करें तो ये लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है, और अगर सही तरीके से अगर इसकी देखभाल कर लें तो लगभग 20 से 25 कुंटल का उत्पादन ही एक एकड़ में दे देती है। तो किसान भाइयों, ये भी अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं तीसरी वैरायटी की। तो किसान भाइयों, पूसा बासपति वैरायटी है ये भी, PB 1885। ये जो है फसल 140 दिन में पककर तैयार होती है, और ये किस्म जो है लगभग ये भी 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे सकती है। और इसमें भी धान के जो दाने होते हैं वो लंबे होते हैं, और इसमें भी जो ब्लास्ट रोग की जो दिक्कत होती है इसमें लड़ने की क्षमता दी हुई होती है। तो किसान भाइयों, ये वैरायटी हुई। उसके बाद में जो अगली वैरायटी की बात कर रहे हैं तो ये कम अवधि में पकने वाली एक ऐसी वैरायटी बता रहे हैं, ये भी पूसा बासमती PB 1692, जो कि किसानों के द्वारा बहुत पसंद की जाती है। और ये जो है कम यानी लगभग 115 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, यानी जल्दी पककर तैयार हो जाती है। और ये किस्म खास करके जहाँ पर कम पानी होता है वहाँ पे इसको खेती की जा सकती है। चावल के जो दाने होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, टूटते नहीं हैं, और खाने में स्वादिष्ट होता है, तो इसको हम अपने खेतों में लगा सकते हैं। किसान भाई, जो लास्ट वैरायटी यानी 5th नंबर पर हमने रखी है वो भी पूसा बासमती की है, PB 1847। इसकी भी सीधी बिजाई हम अपने खेतों में कर सकते हैं, और धान में जैसे कि झुलसा रोग आता है या फिर कोई और रोग होता है तो वो इसके लिए रेजिस्टेंस है। और इसकी सीधी बिजाई करने के समय जो उपयुक्त समय है ये भी 20 मई से लेकर के हम 15 जून तक इसकी बिजाई कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की तो ये सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली एक वैरायटी है, लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इससे उत्पादन लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये वो टॉप 5 वैरायटी थी जिसको आप अपने खेतों में लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें सीधी रोपाई के क्या मतलब, अगर रोपाई ना करके सीधी धानों की बिजाई कर लें तो इसके क्या फायदे होते हैं। तो किसान भाइयों, इसके कई फायदे हैं।
जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि सिंचाई की जो आवश्यकता होती है रोपाई के मामले में 20 से यानी 30 से 40% की बचत हो जाती है पानी की। और दूसरा फायदे की बात करें तो जैसे कि नर्सरी तैयार करते हैं, रोपाई करते हैं, तो जो मजदूरी का जो खर्च होता है ना बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम सीधी बिजाई करेंगे धान की तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा। और बात करते हैं किसान भाइयों, अगर फसल अगर हम सीधे ही बोते हैं, अपने धान को सीधे बोते हैं, तो जो है 8 से 10 दिन पहले यानी जो रोपाई के द्वारा लगेगी वो सीधे ही 8 से 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाएगी। और तीसरी और चौथे पॉइंट की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात बीज की जो मात्रा होती है वो इस तरीके से कम लगती है। तो किसान भाइयों ये कर सकते हैं। और धान जब सीधा बोया जाता है तो जो पौधा नर्सरी के बाद में 8 से 10 दिन लेता है सीधे होने में, यहाँ पर सीधे प्लांट जल्दी से सीधा हो जाता है और सीधे ही जल्द जब होगा तो ये 8 से 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों धान को लगाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, बिजाई अगर हम सीधे कर रहे हैं तो वो किसी हम एक अन्य वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हमने ये जाना कि कौन कौन सी टॉप 5 वेरायटी हैं जिसको हम सीधे ही अपने खेतों में बिजाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो शेयर।